मैं जरा सी व्हेन आई वाज इन एडल्ट 13 टू 14 इयर्स तो मेरे घर पे ये होता था कि जैसे मतलब थोड़ी कंजर्वेटिव सोच होती है थोड़ी फैमिली की कि जैसे टीवी पे हम बच्चे थे तो ऐड चल रही है जैसे कॉन्डम की ऐड आ गई या सपोज कुछ भी बहुत रोमांटिक से ऐड आ गए तो सारे मतलब ऐसे हिलने डुलने लगते हैं मतलब उनको बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है कि यार बच्चे देख रहे हैं उनको कुछ मतलब इनसे दूर रखो तो या तो टीवी बंद हो जाती है या तो वो लोग हाँ चैनल चेंज हो जाता है या तो वो लोग वहाँ से मतलब चले जाते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है कि फैमिली इतनी कंजर्वेटिव क्यों है। अभी हम रेप कल्चर की बात करें जैसे इंडिया में इतने सारे रेप बढ़ रहे हैं और जब भी गवर्नमेंट बात करती है कि हमें सेक्स एजुकेशन को स्कूल में इंट्रोड्यूस करना चाहिए मैं थोड़ा आराम से पानी वानी चाहिए नो इट्स ऑल राइट सर जब भी गवर्नमेंट बात करती है सेक्स एजुकेशन की तो हमारे जो भी मतलब सो कॉल्ड रिलीजियस लोग होते हैं वो इसे अपोज करते हैं कि दैट इज़ नॉट आवर कल्चर दैट इज़ अ वेस्टर्न कल्चर बट आज के टाइम में सर ये सब बहुत इजीली अवेलेबल है अगर आप पेरेंट्स अगर किसी बच्चों को नहीं सिखाते तो वो इंटरनेट से या किसी भी और मीडिया से वो सीखने ही वाले हैं तो जिस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप उसको अपने तरीके से अपने बच्चों को उस चीज़ का एजुकेशन दे तो आगे जाके वो उसको किसी गलत तरीके से कोई उसको ना समझा दे जैसे कोई लड़की है मे बी वो 15 टू 18 इयर्स में जाती है तो उसके लाइफ में कोई ऐसा आता है कि जो उसका मिसयूज़ करता है उसे पता ही नहीं होता अवेयरनेस ही नहीं होती कि इस चीज़ को लेके क्या रियलिटी है और क्या होना चाहिए तो मेरा सर आज का थोड़ा इशू ये अभी जो गवर्नमेंट में चल रहा है कि सेक्स एजुकेशन को कैसे स्कूल में इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए अबाउट देयर प्राइवेट पार्ट्स व्हाट इज बैड टच व्हाट इज गुड टच दैट काइंड ऑफ थिंग्स एक्सीलेंट लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अब देखो ध्यान से समझना क्या किया इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो आप नहीं कर सकते थे आप में से कौन है जो यहां पर आकर के ऐसे नहीं बोल सकता था या नहीं बोल सकती बताओ एनीबडी हु कैन से कि नहीं मेरे को ये बातें नहीं पता है या मैं ऐसे नहीं बोल सकता या मैं ऐसे नहीं सोचता कोई है जिसकी सोच इनसे अलग है या इन्होंने वही बोला है जो हम सबकी सोच है यस और नो यस और नो एनीबडी हु डिसएग्रीज विद हर कोई नहीं सब एग्री करते हैं एग्री करते का मतलब क्या कि हम भी ऐसी सोचते हैं लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है यहां पर आकर के ये होता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना यही फर्क होता है उन लोगों में